अचार अचार तो हमारा घर में अचार तो यहाँ पे देखो आम के पीसेस किया जा रहा है अभी अचार के लिए। तो ये देखो ये वाला आम लास्ट में ये वाला मिलता है अचार का आम है ये, और ये 70 रुपए किलो मिला है, बहुत महंगा है इस बार। और ये देखो ऐसे काट रहे हैं हम लोग, इसके ऊपर रख के पीसेस कर रहे हैं। ये देखो देखो ये देखो इस तरह से, तो ये जाय के मदद से मैं काट रही हूँ, तो ये ऐसे इस तरह से काटा जा रहा है आम। ये आम को ना रात को हल्दी और नमक लगा के पूरे रात भर रखना पड़ेगा, फिर सुबह धूप दिखाऊंगी इसको। तो उससे पहले का प्रोसेस है आचार का, पहले प्रोसेस ये देखो इस तरह से आम का पीसेस किया जा रहा है, और ऐसे पीसेस किया जा रहा है। देखो बड़ा सा एक लकड़ी के ऊपर रख के ये साइनीज दाव से कट कर रहे हैं। अब ये देखो जॉय स्पॉट, ए भगवान दाराती मात देगा, कॉपीराइट ठोक देगा। पता नहीं इस पे कॉपीराइट आएगा या नहीं। ये तो थे तो कोई ही फेले चो आम का सत्यानाश कर रहा है, ये सारे थे तो हो गया है। देखो इस तरह से ये टुकड़े टुकड़े हो गया है आम का, ये तो गया है, ये आचार के लिए गया, ये नहीं जाएगा आचार में, इसका चटनी बना के खाना पड़ेगा। तो इसका बोटा के वहां पे है ना काले काले है, थोड़ा हटा रही हूँ, हटा के फिर इसको पीसेस कर रही हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो मारा थन थन। हाँ इतना अच्छा नहीं है आचार खाना, ठीक है। आचार खाने से पहले ये ऐसे मेहनत होता है, ये पहले का प्रोसेस है जो कोई नहीं दिखाता, खाली आचार दिखाते हैं ऐसे आचार बनाया जाता है, लेकिन किस तरह से बनाया जाता है वो हम अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस तरह से इसको काटा जाता है, देखो आचार बनाने का फर्स्ट प्रोसेस होता है ये। और ये बास्केट में घिया क्या कर रहा है, आए सुबह तोड़ के लेके गया है, अभी भी 3 बचा हुआ है और सारे रिश्तेदार में बढ़ चुका है। तो आम में हल्दी और नमक अच्छे से लगा के अभी रख दूंगी। तो यहाँ पे 5 किलो आम है, और इसमें ना अभी हल्दी और नमक लगा के ना अच्छे से मिला के रख दूंगी सुबह तक। तो इस आम में अभी हल्दी नमक अच्छे से लग चुका है, और अभी इसको मैं ढक के रख दूंगी पूरे रात भर, सुबह इसमें से बहुत सारे पानी निकलेगा, उसके बाद धूप दिखाऊंगी मैं। तो अभी इसको ढक के रख देते पूरे रात भर, और मैंने बड़ा सा एक बाल्टी लिया प्लास्टिक का, और उसमें मैंने इस आम को मिक्स किया है, क्योंकि प्लास्टिक में ही करना चाहिए, इसमें स्टील या एल्युमिनियम में नहीं करना चाहिए, मतलब रखना नहीं चाहिए। हाँ यहाँ पे सब लोग ऐसे ही बनाते हैं, तो प्लास्टिक में ही अभी मैंने एक बाल्टी लेकर ऊपर से बड़ा वाला, क्योंकि 5 किलो आम है, तो बाल्टी में ही मैंने इसको अच्छे से रखूँगी। तो इसको अभी रात भर नमक और हल्दी के साथ रेस्ट में रख देते हैं। कीर्तन है, कितने बजे? अच्छा ठीक है, आऊँगी। हाँ हाँ ले आऊँगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
घर का पूजा भी हो गया मेरा और मंदिर का पूजा भी हो गया, घर का पूजा भी हो गया। पहले मंदिर गई थी फिर घर का पूजा कर लिया। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू देयर फैमिली व्लॉग। कैसे आप सब? तो अभी अभी मंदिर से पूजा करके आई हूँ, तो घर का पूजा मंदिर का पूजा सब हो गया है और अभी जा रही हूँ ऊपर आचार धूप में डालने। तो जो रात को सारे मैंने भिगो के रखा था ना आम, उसको अभी धूप दिखाने जा रही हूँ ऊपर। तो चलो ऊपर जाके दिखाती हूँ जल्दी। तो ये देखो आचार कल रात को ही सारे आम को काट के हल्दी नमक लगा के रख दिया था और इसमें से देखो पूरे रात भर में ये भिगो के रखा था। तो ये देखो पानी, इसमें बहुत सारे पानी निकला है। ये देखो पानी देख रही हो, तो ये नमक और हल्दी लगाने से ना ऐसे पानी निकल जाता है। तो ये सारे आम को अभी बाल्टी में से निकाल के धूप में रखूँगी। तो अभी इस तरह का दो छाज लेके आई हूँ, इस पर अभी रखूँगी मैं सारे आम को धूप में। तो पहले इसको बिछा देती हूँ फिर दिखाती हूँ, क्योंकि तो सुबह से बहुत तेज़ धूप निकला है और मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं और इतना तेज़ धूप निकला है, मैंने सोचा फटाफट आम धूप में दिखा देती हूँ और उसके बाद ये सूख जाएगा 2-3 घंटे में। और पूजा करने भी गई थी मंदिर से, पूजा करके आके फिर अभी ऊपर आके ये आम धूप में डालूँगी। कपड़े तो सूख गए, कपड़े भी लेके जाऊँगी अभी। तो आम सारे धूप में डाल दिया है इस तरह से, और बीच बीच में इसको ना पलटा के भी देना पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर इसको अच्छे से करना पड़ेगा धूप में, तभी ये अच्छे से सूखेगा। तो भी ऊपर आके बीच बीच में मैं इसको अच्छे से इधर उधर पलट पलट के जाऊंगी। और यहाँ पे देखो पानी कितना है इसमें, इस बाल्टी में देखो पानी आम में से निकला है। तो ये पानी कोई कोई डालते, मैं नहीं डालती, इसको मैं फेंक देती हूँ। बाकी कोई कोई असर में डाल देते, कभी कभी ये पानी डालने से असर ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं इस जिस तरह से अचार बनाती हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी आज, और मैंने यहाँ से ही सीखी हूँ अचार बनाना। तो चलो इसको तो अभी धूप में अच्छे से 2-3 घंटा सुखाऊंगी मैं, और बीच बीच में आके इसको उलट पलट के भी जाऊंगी, पलट पलट के ही सुखाऊंगी इसको। सारे कपड़े सुबह धो दिया था, सब सूख गए हैं। अब ये सारे कपड़े अभी उठा के ले जाऊँगी नीचे। तो ऊपर बहुत ज़्यादा धूप है और ये देखो मैं पसीना पसीना हो रही हूँ और फटाफट ये कपड़े ऊपर से अभी उठा के लेके जा रही हूँ नीचे। किचन में आ गई हूँ, बना रही हूँ आज सिंपल मेनू, दाल और भिंडी पोस्तो आलू भाजी, बस एक यही आइटम है, क्योंकि आज शाकाहारी बनाऊँगी, नॉन वेज नहीं बनाऊँगी, तो इसीलिए प्याज लहसुन नहीं डालूँगी। अभी दाल चटनी लगा और हमने दिया है। सर का मसाला रेडी है, यहाँ पे मैंने हल्का रोस्ट करके रखा है, यहाँ पे जीरा धनिया सौंफ और सूखा लाल मिर्च। तो इसको मैंने थोड़ा सा ही रोस्ट किया है और इसको ना एकदम एक कुरकुरा हो गया और इसमें से ना बढ़िया खुशबू भी आता है। तो इसको अभी मैं मिक्सर ग्राइंडर में देके एक बारी इसको चला दूंगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, बस दर तरह रखूँगी मसाला को। मेरी जीठानी आई है, अभी जीठानी आचार डालेगी। ये आम अभी धूप में से उठा के लेके आई हूँ, तो अभी आम सूख गया है, 2-3 घंटे का ही धूप चाहिए था, वो हो गया है कंप्लीट। और आम देखो इस तरह से हो गया है, ऐसे ही सूखा है, ऐसे ही सूखाना है, ज़्यादा सूखाने से ना फिर आम गलता नहीं है। तो अभी इसमें मसाला जाएगा और ये 5 किलो आम है। तो ये देखो मसाला क्या क्या डाल रही हूँ, इसमें है कलंजी और इसमें थोड़ा सा अजवाइन है और मेथी है, इसको हम साबुत डालेंगे। और अभी बाकी मसाला पड़ेगा इसमें। नमक डाल रहे हैं हम, तो देखो नमक डाल दिया है और थोड़ा सा हल्दी भी जाएगा, हल्दी तो पहले ही लगा के मैंने सुखाया था और फिर अभी और डालेगा इसमें हल्दी, तो डाल दिया है। और इसमें अभी बाकी मसाला जो मैंने रोस्ट करके रखा है वो मसाला है ये। और इसके लिए ना एक बड़ा सा लाल टॉप मैं ऊपर से लेके आई हूँ, तो इसी में ही कर रही हूँ, क्योंकि इसको ना एक दिन धूप दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ही बर्तनों में, स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखूँगी, इसलिए प्लास्टिक वाले में ही इसको रख के फिर एक दिन धूप दिखाना पड़ेगा। तो इसी में ही मिक्स कर रही हूँ सारे सामान, और इसमें अभी थोड़ा सा तेल जाएगा।
और इस तेल के साथ अब इसको मिला के अच्छे से रखना पड़ेगा। और एक दिन इसको ना धूप में रखूंगी पूरे दिन भर, और उसके बाद इसमें बाकी तेल गरम करके, मस्टर्ड ऑयल गरम करके फिर डालूंगी। तो देखो इसमें थोड़ा सा और हल्दी जाएगा क्या, कलर नहीं हुआ ना इससे। अच्छा ओह, मिर्ची देना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, कश्मीरी मिर्ची ले गया तो उसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। हाँ हल्दी दे दो, तो इसमें थोड़ा सा और हल्दी पड़ेगा। तो हम लोग ना अंदाजा से कर रहे हैं, तो इसीलिए हल्दी का कलर थोड़ा कम लग रहा था, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया। और इसमें ना थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी मैं, देगी मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन देगी मिर्च में भी थोड़ा सा वो कलर हो जाता है, तो देगी मिर्च डालूंगी। थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च इसलिए डालूंगी, कश्मीरी भी लाल मिर्च में ना थोड़ा तेज हो जाता है मिर्ची। कश्मीरी मिर्ची डाल रहे हम लोग, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये, तो ये ना इसमें थोड़ा सा तेज होता है ये मिर्ची। और इसमें अभी देगी मिर्च भी डालूंगी कलर के लिए, तो देगी मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालूंगी ताकि इसमें से एक बढ़िया सा कलर आ जाए अचार में। तो ये देखो, ये है देगी मिर्च पाउडर। देगी मिर्च पाउडर ना कोई भी सब्जी में भी पड़ते ही इसका कलर ही अलग हो जाता है, बहुत ही अच्छा कलर दिखता है, तो इसीलिए डाल दिया है थोड़ा मिर्ची में भी ताकि इसका कलर बहुत बढ़िया आए। और देखो कितना बढ़िया दिख रहा है आम का अचार। तो ये देखो अचार स्पॉट, मेरी जिठानी ने पहले ऑलरेडी बना चुकी है अचार, इनका अचार तो गल भी गया ना। हाँ इनका अचार गल भी गया, मैं भी थोड़ा सा पहले डाली थी 2 किलो का, लेकिन अब ज़्यादा डाल रही हूँ। और इसमें से ना मेरी बहन आधा ले जाएगी, क्योंकि इसका आधा उसी का है, उसको नहीं आता, तो मैं इसीलिए एक साथ में डाला है, इसके से आधा तो बहन को दे दूँगी मैं। तो मेरी जेठानी आई है अभी, तो मैं इनसे ही अचार डलवाया है क्योंकि इनके हाथ का अचार बढ़िया होता है अचार स्मार्ट। तो चलो हमारा अचार तो हो गया है रेडी, और ये अभी भी हम खा सकते हैं लेके, इतना बढ़िया दिख रहा है, टेस्टी टेस्ट करना चाहिए, जैसे ये काम चौक के देखना चाहिए नमक कैसा है। तो नमक मिर्च आप इसको टेस्ट करके देख सकते हो, उसके बाद डालो। तो हमें इसमें थोड़ा नमक कम लगा था, दोबारा नमक डाल दिया है, तो अभी एकदम परफेक्ट है। हम के आचार हो गया है रेडी, और इसको एक दिन धूप दिखाने के बाद फिर मैं इसमें जार में डाल के तेल डाल के धूप दिखाऊंगी। इस तरह से हमारा आम का अचार हो गया है रेडी। तो ये देखो हमारे बर्थडे गर्ल एकदम रेडी हो गया, ये है फियोना। तो आज हमारे फियोना का हैप्पी बर्थडे, तो कितना सुंदर लग रही है, देखो एकदम पिटी लग रही है, तो ड्रेस भी सुंदर लग रहा है तुमसे। और ये फियोना का मौसी का है ना, मौसी का बेटा है ना। हाँ ये फियोना का मौसी का बेटा है। तो आज फियोना का बर्थडे है, तो अभी मैं इसको बुलाया घर पे, तो अभी आई है फियोना को, अभी मैं गिफ्ट दूंगी एक अभी तो आ रही है फियोना घर ये देखो गिफ्ट दिखाओ, तो ये मैंने गिफ्ट दिया फियोना को पसंद आया? हाँ बहुत। चलो ठीक है, एक पन्नी भर के सब्जी, देखो देखो सारे सब्जी पैक हो गए आलीपुर के लिए। हाय सुजय मंडल, कैसन बा, टाटा बाय बाय। तो सुजाई अभी अभी एक बैग भर के सब्जी लेके गया है, उस दिन मैं और मेरी बहन जो तोड़ के लेके आई थी, मेरी बहन ले नहीं पाई थी, उसके पास बहुत सारे बैग था, बच्चे थे, तो इसी वजह से आज सुजाई आके वो बैग उठा के लेके गया है। मेरी जिठानी भी शाम को आई थी, अचार डाल के गई है, उनको भी एक बैग भर के सब्जी दे दिया है। और फियोना का आज हैप्पी बर्थडे, वो भी आई थी, मैंने उसके विश कर दिया है। और अभी रात के बज रहे 10, हम कर रहे हैं डिनर, और इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। फ्रेंड अगर कुछ भी आपको और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नए ब्लॉग।